राजू अगर गेंद फेंकता तो मोती उसके पीछे छलांग लगाते दौड़ता। मोती अब बड़ा हो गया है, लेकिन गेंद जितनी थी अब भी उतनी ही है। राजू के उस वक्त के कपड़े और जूते आज उसे छोटे होते हैं। ऐसा क्यों हुआ? एक छोटी बोतल में थोड़ा चावल और पानी रखा। इस बोतल में 3-4 जिंदा झींगा डाल दिए। बोतल का ढक्कन मजबूती से बंद कर दिया गया। बोतल में मौजूद झींगर का कुछ दिनों बाद मुशाहिदा किया। बोतल में अनाज पानी मौजूद रहने के बावजूद कुछ दिनों में झींगर मर गए। ऐसा क्यों हुआ? एक थैली की मिट्टी में नन्हा पौधा लगाओ, दूसरी थैली की मिट्टी में पेंसिल, सूखी लकड़ी की तीली, धात के तार जैसी चीजों को खड़ा करके रखो। दोनों थैलियों को रोजाना पानी दो। दोनों थैलियों में लगाई हुई अशिया का 7-8 दिनों तक मुशाहिदा करो। तुम जो तब्दीली देखो उसे नोट करो और फिर खुद ही तय करो कि कौन जानदार है और कौन गैर जानदार। हमने क्या सीखा? हमारे अतराफ में मुख्तलिफ अशिया हैं। इनमें से कुछ जानदार और कुछ गैर जानदार हैं। जानदार को गिजा, पानी और हवा की जरूरत होती है। गैर जानदार को गिजा, पानी और हवा की जरूरत नहीं होती। जानदार की नशोनुमा होती है, गैर जानदार की नशोनुमा नहीं होती। गाय की गिजा क्या है? गाय की गिजा चारा और खली। हमारी गिजा क्या है? चावल, चपाती, दाल, तरकारी और फल हमारी गिजा हैं।